दिक्री, अब तू हेतलबेन को तो प्रभावित कर चुकी है, अब जैसे तैसे तू उसके दिकरे को भी अपनी मुट्ठी में कर ले। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रही थी। अभी आई हूँ, ये हार देना था, इसे संभाल के रख लीजिए। आज ये सब मेरी राशि का होता। खा गई ना उसके हिस्से का सौभाग्य, छीन ले गई ना उसका वैभव। ये अब क्या कह रही है मामी? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, लेकिन अब जब ये सब हो गया है, मामी मैं रोज अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी राशि बेन को मुझसे भी अच्छा घर और बार मिले। ठीक है ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, जा जा के शरबत लेकर आ। जा का नाम अहम मोदी है ना? वो बहुत सुंदर है ना? मुझे कैसे पता? लेकिन मुझे तो पता है। कैसे? तूने तो ना देखा ही नहीं है। तुमने देखा है? देखना है? पर ना, काम करने देना। हमेशा शरारत करती रहती है। ये देखो, ऐसे क्या देख रही हो? यही तो है अहमदी, तुम्हारे होने वाले वर। सच्ची? हाँ, उनका नाम भी तो लिखा है, ये देखो अहमदी। तो
लव यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत। जानते हो कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जानते हो तुम क्या कहना चाहते हो? यही ना कि तुमने मुझे बहुत मिस किया है, मैंने भी। I'm sorry, baby. Will you marry me? मेरी शादी तय हो चुकी है अनीता। इंतजार में गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। न जाने वो दिन कब आएगा अहम, जब हम साथ रहेंगे। अनीता, हम कभी साथ नहीं रह सकते। सच कह रहा हूँ कि मेरी शादी तय हो चुकी है। मुझे समझने की कोशिश करो। बस एक दिन माँ ने अचानक कहा, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। माँ, तुम्हारी माँ ने कहा है तो तुम्हें मानना तो पड़ेगा ही। आफ्टर ऑल, तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे सपने में है राधे, कुछ नहीं। उस लड़की का क्या है जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारना चाहते थे? क्या अनीता, अनीता मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं, क्या समझूं? यही कि अब भी तुम एक बच्चे हो जो अपनी माँ की उंगली थाम कर चलता है। मेरी एक बात याद रखना है, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, कभी। अनीता मेरी बात सुन। अनीता,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।